वेलकम टू माय चैनल ध्रुव जी इंग्लिश क्लास। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सीजी बोर्ड का आंसर शीट कैसे आपको भरना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि जो बच्चे पहली बार दिला रहे हैं दसवीं बोर्ड और बारहवीं बोर्ड, उनके लिए आंसर शीट को अच्छे तरीके से भरना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। पेपर तो खैर मार्च में होगा, लेकिन मैं अभी से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सुविधा हो, कोई परेशानी ना हो उस समय जब आप परीक्षा हाल में रहेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें देखिए जो आंसर शीट रहेगा वो इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर आपको अपना सेट लिखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी सेट मिला रहेगा क्वेश्चन पेपर का सेट ए बी या सी, उसको आपको लिखना है। अगर आपका ए सेट है तो आपको यहाँ पे ए लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए विषय कोड दिया है। विषय कोड आपके जो टीचर है वहाँ पे रहेंगे, जो पर्यवेक्षक, वो बताएंगे आपको विषय कोड। विषय रहेगा आपका जो भी विषय उस दिन होगा पेपर में। इसका देखिए, इसका लिखा है परीक्षा केंद्र क्रमांक। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर केंद्र क्रमांक रहेगा। उसके यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर। जैसे आपका इस प्रकार रोल नंबर है तो ऐसे इस प्रकार आपको अंकों में भरना है इसमें। इसके बाद नीचे वाले आपको शब्दों में भरना है। जैसे ऊपर में एक लिखा है तो यहाँ पे आपको एक इस टाइप का, एक खाने में एक लिखना है। दूसरे वाले में दो लिखा है तो आपको दो ऐसे लिखना है। इस तरीके से आपको आंसर शीट भरना है। अब यहाँ पर आपको साइन करना है। देखिए यहाँ पर आपको साइन करना है। यहाँ पर तो पर्यवेक्षक का साइन रहेगा ये वाला, और ये है केंद्राध्यक्ष का। इस प्रकार आपको आंसर शीट का जो पहला पेज है इस तरीके से आपको भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से लिखना प्रारंभ करें, यहाँ से लिखा है तो यहाँ पे बहुत ही कम जगह रहता है, चार पांच लाइन यहाँ पे रहता है, ठीक है, चार से पांच लाइन रहता है। यहाँ पे आप बड़ा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ना लिखें, ठीक है, बड़ा आंसर यहाँ पे ना लिखें। यहाँ पे आप दो या तीन नंबर का छोटा आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बड़ा आंसर यहाँ पर लिखेंगे तो जैसे यहाँ पर आप उत्तर क्रमांक लिखे हो, उसका आंसर लिखे हो, आधा आंसर यहाँ पर इस पेज में रहेगा, आधा आंसर अगले पेज में रहेगा, तो थोड़ा सा अजीब लगता है चेक करने वाले को। तो आप छोटा आंसर यहाँ पर लिखिए जो पूरा कम्प्लीट यहाँ पर आ जाए। इसका अगले पेज से नया वाला क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से एक बेसिक जानकारी था आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। अभी प्रश्न बैंक का भी वीडियो आने वाला है तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।